आज एसटी मोर्चा की तरफ से ये आपका चावल और आलू तेल वगैरह जो मूव में हम लोग आज बात रहे हैं, जो ये आपका पायर ब्रिक चित्र जो प्रशासन की तरफ से इनको ये जे चित्र को आपका कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। ये आप लोग का आज ये जो राहत सामग्री जो दे रहे हैं लोगों को, यहाँ के कंटेनमेंट जोन में बैठे हैं लोगों को अपर बास्केटा में, तो आप लोग क्या क्या सामान दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग का ये देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली हम लोग यहाँ में युवा मोर्चा की तरफ से आया हुआ है, यहाँ में कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, उसको हम लोग आलू, इसके बाद में ये टमाटर, इसके बाद चावल, इसके बाद में हम लोग ये थोड़ा ये मस्टर ऑयल भी देना शुरू हो गया है। ये हम लोग का एमएलए का तरफ से हम लोग दे रहा है और युवा मोर्चा की तरफ से दे रहा है। आप लोग का अब मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, लोगों को यहाँ पे खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से? हाँ, ये हाजिरा करने वाला जो डेली वेजेस अर्नर लोग ज़्यादा है इसमें, इसीलिए हम लोग मतलब सोच सोच के क्या करने से होगा बोल के आज ये स्टेप उठाया हम लोग दे रहे। तो बेसिकली ये सब ऑर्गेनाइज करने का आप लोग क्या पीछे क्या मकसद है? सबसे पहले दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा 38 पासीघाट कोरोना के सागर में डूब रहे हैं। डेली दिन ब दिन पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिन ब दिन कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि जब जब भी सरकार की तरफ से कंटेनमेंट जोन घोषित करता है, हम 13 मंडल टीम ने जिस जिसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया है उसको कुछ ना कुछ बांटते आया है। तो ऐसे में आज हमारे पासीघाट में अपर बास्कता, लोअर बास्कता और फायर स्टेशन कंटेनमेंट जोन में है। तो हमने सोचा कि पहले की तरह आज भी हम कुछ बांटा जाए। तो इसमें चावल है, दाल है, तेल है, आलू है। तो ऐसे में हम ये शुभ कार्य अपर बास्कता को हमने हमारे 38 युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी तारुण तालुक के हाथों द्वारा किया गया। उसके बाद लोअर बास्कोता को हमारे 38 मंडल माइनॉरिटी मोर्चा माकपल मेघों के द्वारा किया गया। उसके बाद फायर स्टेशन को हमारे एसटी मोर्चा प्रेसिडेंसी ओरेन पांगिंग के द्वारा किया गया है। तो आज देखिए लोअर बास्कोता में 355 परिवार कंटेनमेंट जोन में फंसा हुआ है, और अपर बास्कता में लोअर बास्कता में 205 परिवार फंसे हुए हैं और अपर बास्कता में 355 परिवार फंसे हुए हैं। और उसके बाद फायर स्टेशन में 47 परिवार फंसे हुए हैं। तो इन सबको हम लोगों ने आज कुछ ना कुछ बांटा, लेकिन ये काम सरल नहीं था, ये हमारे लिए असंभव था। लेकिन इस असंभव के साथ हमारे पास एक आदमी का तन मन लगन और धन ने साथ दिया, उसके कारण ये आज संभव हो पाया है। इसलिए मैं हमारे 38 ऑनरेबल एमएलए श्री कालिंग मोयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बिना हम ये नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके मदद के कारण ये काम संभव हो पाया। अंत में मैं हमारे 38 पासीघाट के जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, स्कूल कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, उन लोगों से मैं विनती करता हूं, आइए हम इंसान बनकर आपस की मदद करें। और आप सबसे विनती करता हूं, जिस दिन ने भी कोविड वैक्सीन नहीं लिया वो सब कोविड वैक्सीन लें और हमारे अरुणाचल प्रदेश को कोविड मुक्त करें।